अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप, आतंकवाद ट्रेनिंग कैंप, जो साउथ की प्राइवेट आर्मी है। हम सब जानते हैं कि सऊदी जो है वो नजद का शैतान है, और उसकी शुरुआत जो है खून काबा के अंदर खून खराबा करके उसने काबा पे कब्जा किया। सऊदी के पास कोई उसकी आर्मी नहीं है, आर्मी अगर है भी बहुत कमज़ोर। वो नहीं चाहता कि कोई आर्मी उसके साथ बगावत करे, तो इसीलिए उसने जो है पाकिस्तान को चुना है ताकि वो अपनी कूली पढ़ाई, जिसको कहते हैं कि पेड आर्मी का बेस बना करके, वहाँ वहाँ आदमी को रिक्रूट करे और कुरान और शरिया के नाम से पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना करके वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप खोल के रखा हुआ है। एक प्राइवेट आर्मी जो सऊदी को बचा रहा है। पाकिस्तान खुद अपनी मिलिट्री से परेशान है, पॉलिटिशियन कब मिलिट्री का शिकार बन जाएंगे ये किसी को पता नहीं। और वहीं पे दो 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 प्राइवेट एक एक, एक गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट आर्मी है और एक प्राइवेट आर्मी जो सऊदी की है। अब ये ट्रेनिंग कैंप जो है इसको ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना इसको अमेरिका वाला छुएगा, ना ही इसको अब यूरोप वाले छुएंगे। पाकिस्तान तो कुछ कर भी नहीं सकता, और हिंदुस्तान भी आज जो है वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो मोदी और जो बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब जो बातें कर रहे हैं ये बेमाने हैं, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप जो है वो प्राइवेट आर्मी बेस्ड ऑफ सऊदी अरेबिया है। उसको छूना यानी कि सऊदी को छूना, और लगभग सभी गवर्नमेंट जो है नजद के शैतान सऊदी के हाथों बिक चुके हैं।